नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 29 दिसंबर को क्रोएशिया में जोरदार भूकंप आया। 6.4 तीव्रता के भूकंप ने मध्य क्रोएशिया में मंगलवार को जमकर तबाही मचाई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई पड़ोसी देश भी इस भूकंप की चपेट में आए हैं। बचाव दल ने लोगों को पेत्रिनाजा और अन्य कस्बों में ढही इमारतों के मलबे से निकाला है और सेना की टुकड़ियों को मदद के लिए इलाकों में भेजा गया है। क्रोएशिया की राजधानी जागरेब में और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में झटके महसूस हुए, जिसके बाद इस भूकंप की तबाही की जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको हिला दिया। आप इन तस्वीरों को देखकर भी भूकंप से हुई तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। स्लोवेनिया ने एहतियात के तौर पर अपना एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद कर दिया है। दूसरे दिन भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक वीडियो क्लिप बेहद वायरल हुई है, जहां एक मंत्री पिछले दिन के भूकंप के बारे में प्रेस को जानकारी दे रहे थे और तभी एक मजबूत भूकंप ने पूरे शहर को हिला डाला। वहां मौजूद कैमरे ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। जमीन को उछलते हुए देखा गया और लोग गिरते हुए भी दिखाई दिए। इस वीडियो को 30 दिसंबर को शेयर किया गया था, जिसे अब तक 1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। साथ ही 4000 से ज्यादा लाइक्स और 2000 से ज्यादा लोगों ने इस पर रीट्वीट किया है। कई लोगों ने हैरान कर देने वाले रिएक्शन भी इस वीडियो को लेकर दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।